कोविड काल में सोलन का अस्पताल शोपीस बनता नजर आ रहा है। आवश्यक टेस्ट करवाने वाली मशीनें खराब पड़ी हैं, जिसके चलते यहां से लोगों को या तो आसपास की महंगी लैब्स में टेस्ट करवाने जाना पड़ रहा है या फिर उन्हें यहां से रेफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें इलाज की बजाय जगह जगह घूमना पड़ रहा है। यही वजह है कि बड़े अस्पतालों पर कोविड काल में अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटी बीमारियों के लिए सोलन अस्पताल को हमेशा तैयार रखना चाहिए, लेकिन यहां ज्यादातर मशीनें खराब रहती हैं, जिसकी वजह से रोगियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जहां एक ओर उनका पैसा और समय बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण होने का भी खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि जिला के क्षेत्रीय अस्पतालों को कोविड के इस संकट में सभी सुविधाओं से लैस रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए रोगियों को क्षेत्रीय अस्पतालों से उन अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है जहां कोविड का इलाज भी किया जा रहा है और वहां पर स्टाफ पहले ही क्षमता से ज्यादा कार्य कर रहा है। सोलन के अस्पताल में जहाँ 3 जिलों के रोगी इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, वहाँ जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वे नहीं मिल रही हैं, जिसके वजह से उन्हें या तो शिमला रेफर किया जा रहा है या MMU अस्पताल में, जिसकी वजह से उन्हें भारी असुविधाएं हो रही हैं और कोरोना संक्रमण होने का भी डर बढ़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करे। सोलन अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन काफी लंबे समय से खराब पड़ी है और लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है जहाँ रश होता है। अगर किसी को इमीडिएटली रेफर कर दिया जाए, उसे शिमला जाना पड़ेगा, उसे MMU में जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी रश होगा और कोरोना महामारी के बीच में बार बार इधर लोगों का आना जाना बढ़ना, किसी हॉस्पिटल में बढ़ना, तो एक खतरनाक संकेत है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो दूसरे अस्पताल हैं उन पे सभी प्रकार की सुविधाएँ हों, ना कि इसलिए शिमला में या किसी और बड़े हॉस्पिटल में ज़्यादा रश बढ़े और लोगों को जहाँ पर कोविड का इलाज हो रहा है, चाहे IGMC हो चाहे MMU हो, वहाँ पर बार बार जाना पड़े, तो ये एक नाजुक स्थिति बन सकती है। और दूसरे, जहाँ पर डॉक्टरों की कमी है वहाँ पर डॉक्टरों का प्रावधान किया जाए, ताकि जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर कोई किसी प्रकार का ज़्यादा रश ना हो और लोग इस महामारी से बचे रहें और उनका इलाज उन्हीं के हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं हैं उनको वहीं अगर मिलेंगी तो उन्हें किसी बड़े अस्पताल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। कोविड-19 के चलते दो स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चली हुई है, उसे सभी लोग अवगत हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग लगता है कि इसकी ओर पूर्ण ध्यान नहीं दे रहा। उदाहरण के लिए अभी जो सीटी स्कैन की मशीन है, जैसा कि समाचार पत्रों में भी समाचार आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोग भी आकर बतलाते हैं कि वो मशीन जो है कार्य नहीं कर रही, और भी कई असुविधाएं वहाँ पर हैं, जैसे कि चिकित्सकों की कमी और ना उपलब्ध ना होना, और जो कोविड के प्रति जो दवाइयाँ दे रहे हैं पेशेंट्स को, जनरल पेशेंट्स को दे रहे हैं, जैसे कि पैरासिटामोल या और अन्य, उनकी भी कोई प्राप्ति नहीं है वहाँ पर। इसके लिए सरकार को चाहिए कि पूर्ण ध्यान दे और शीघ्र जो मशीन सीटी स्कैन की खराब पड़ी है उसको ठीक करने का प्रावधान करे, ताकि लोगों का सुविधा न हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो लोग पेशेंट आते हैं वे 3 जिलों से संबंध रखते हैं, शिमला जिले के आसपास के क्षेत्र के, सिरमौर के और सोलन के। यदि वो लोग असुविधा को इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो ये प्रशासन के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी।